नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। दिल्ली एनसीआर में प्रख्यात हो चुकी बांजरा मार्केट एक बार फिर से विवादों में आ गई है। सेक्टर 56 से हटाए जाने के बाद बांजरा मार्केट अब शहर की पॉश सोसाइटी के बीच बसाई जाने लगी है। इसके लिए एक व्यक्ति ने अपनी जमीन को किराए पर दिया है। जमीन पर झुग्गियां और मार्केट बसाने के लिए जमीन मालिक ने ना तो नगर निगम से अनुमति ली और ना ही डीटीपी से। ऐसे में अब विवाद गहरा हो गया है। जिस जमीन पर ये बांजरा मार्केट बसाई जा रही है वहां एमराल्ड हिल्स सोसाइटी की दीवार लगती है, जिस पर सोसाइटी निवासियों ने अपना एतराज जताया है। ये विरोध कई दिनों से चला आ रहा है, जिस पर पुलिस ने एक बार तो हस्तक्षेप किया था, लेकिन मामला नगर निगम व जिला निगम योजनाकार विभाग से जुड़ा होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो वहीं स्थानीय निवासी जब अपनी शिकायत को लेकर नगर निगम कमिश्नर के पास पहुंचे तो उन्होंने मामले जमीन के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जमीन पर झुग्गियां बनाने के कार्य को रोकने के आदेश दिए, लेकिन कार्य धड़ल्ले से जारी है। तो ये जो हमारे घर के पीछे बिल्कुल बंजर मार्केट लग रहा है ना, उसके लिए हम परसों भी यहाँ पर आए थे डीटीपी ऑफिस, और इन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि वो हट जाएगा। ओके, बट कल उनके एंड से हमारे को मैसेज मिलता है कि जो उन्होंने नोटिस भेजा था, लीगल नोटिस, वो किसी और ओनर को भेज दिया था। और मुझे समझ नहीं आ रहा था ब्लंडर मिस्टेक कैसे हो सकता है। आज हम इनसे फिर से मिलने आए हैं, ही सेइंग कि वो हमारे साथ में है। सो अमित जी ने बोला कि उन्हें MCG से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अदरवाइज़ वो तो हमेशा तैयार हैं उसको तोड़ने के लिए, एंड हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है उसके वजह से, और हम सीरियसली बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहाँ जाने वाले शिकायत लेकर? अब जैसे इन्होंने बोला कि उनको MCG का सपोर्ट चाहिए, तो बस अब हम MCG का दरवाज़ा खटखटाएंगे जाकर यहाँ से। हम लोग आज यहाँ DTP पे आए हैं, यहाँ सेक्टर 14 के ऑफिस में DTP अमित मधोलिया जी से रिक्वेस्ट करने के लिए। ये बंजारा बस्ती आ रही है जो सेक्टर 65 में एमराल्ड हिल्स के पीछे, उन्होंने काफ़ी बड़े एकड़ में कब्जा किया हुआ है और उनका मार्केट शुरू होने वाला है। हम इसके पहले MCG भी गए, DTP का दरवाज़ा भी हमने इससे पहले खटखटाया हुआ है, और उन सब ने हमें आश्वासन दिया था कि इस पे शोकॉज नोटिस भी आ चुका है, आश्वासन दिया गया कि बस्ती हटाई जाएगी, लेकिन अभी तक इस पे कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ था। तो आज हम सारे एमराल्ड हिल्स के रेजिडेंट्स, करीब हम लोग 40-45 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, अमित मधोलिया जी से रिक्वेस्ट करने, प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाने की प्लीज़ हमारा सहयोग करें इस बस्ती को हटाने में, क्योंकि आज अगर ये बस्ती जो इलीगल रूप से बन रही है और बंजारा मार्केट खुल रहा है, अगर आज इसको नहीं कंट्रोल किया तो कल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सुमित मधोलिया जी ने हमें आश्वासन दिया है कि कल इस पर जरूर कार्रवाई होगी। वहीं तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि तेजी से यहां सैकड़ों की संख्या में झुग्गियां बनाई जा रही है। सोसाइटी निवासियों का कहना है कि इसके कारण सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्था को काफी बड़ा खतरा है, आसपास क्षेत्र में सैनिटेशन की समस्या बढ़ जाएगी। उन्होंने करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदे हैं, लेकिन उनके फ्लैट की बालकनी से अब स्लम जैसे हालात दिखने लगे हैं। कुछ ही दिनों में यहाँ बालकनी में खड़े रहना तो दूर, बदबू के कारण फ्लैट में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं लोगों का कहना है कि सेक्टर 56 की जमीन से जब बांजरा मार्केट को हटाया गया तो इन्हें किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाना था, लेकिन अब ये मार्केट उनकी सोसाइटी के साथ में शिफ्ट की जा रही है। इन लोगों ने इसी सप्ताह से ही अपने ग्राहकों को इस स्थान पर बुलाना शुरू कर दिया। सर आपका नाम? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह जी, दोबारा से बांजरा मार्केट की शिकायत लेकर आप डीटीपी सर के पास क्या पूछ रहे हैं? तो परसों उन्होंने हमें पक्का आश्वासन दे दिया था कि कल वो टूटी जाएंगी सारी वो जो लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे। हम उनका आश्वासन पे काफ़ी भरोसा किया था हमने, और हमें एक्सपेक्टेड था कि कल तो ये कार्रवाई कर ही देंगे, बट हमें ये मैसेज मिला है कि ना कार्रवाई हुई है और ना हमें आगे का कुछ पता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब सवाल ये है हमारे दिमाग में कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है जो बढ़ने वाला है, फायर हैजर्ड होने ही वाला है, उसके अलावा सैनिटेशन इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये सारे चैलेंजेस कौन सॉल्व करेगा? DTP ने बोल दिया है MCG करेंगे, MCG ने करा नहीं कुछ। हाँ, तो अब हमें पता ही नहीं है कि हम किसका दरवाज़ा खटखटाएं। तो समझदारी यही है कि चाहे तो हम चुपचाप बैठ जाएं और या फिर कुछ और रास्ता ढूँढें। तो अब डिप्टी कमिश्नर के पास अब जाने वाले? अब हम डिप्टी कमिश्नर के पास जा रहे हैं, देखते हैं वो क्या हमारी हेल्प कर पाएंगे। हमें आशंका है अब कि इस पे कुछ एक्शन नहीं होने वाला है, एंड वी आर डिजेक्टेड ऑन हाउ इट इज़ बीन हैपनिंग। जी, आपका नाम? मेरा नाम जया शुक्ला। जया शुक्ला जी, पहले भी डीटीपी ऑफिस आए थे, आज क्या आश्वासन मिला? हमें पहले भी आश्वासन मिला था और हम
मंगोलिया जी की बात से बिल्कुल सहमत थे और हम बहुत आश्वस्त थे कि वो हमारा साथ देंगे और उन्होंने पूरा साथ भी दिया। कल तक हम वो वहाँ पहुँचे भी, बट हमें नहीं पता कि ये सरकारी विभाग की वजह से, गलती की वजह से या जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि कल हमारे सेक्टर में तोड़ा जाना था बंजारा मार्केट, जो नहीं तोड़ा गया और सेक्टर 70 में तोड़ा गया और बाद में कहा गया कि हमने गलत ऑर्डर दे दिया था। तो मंगोलिया जी हमारा साथ पूरी तरीके से दे रहे हैं, लेकिन बाकी विभाग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। और हम पूरी तरीके से डरे हुए हैं, क्योंकि हमारे घरों की जो दीवार है वो पूरी बंजारा मार्केट से लग रही है, वो इतनी ऊंची है कि वो अगर उस छत पे चढ़ के हमारे फर्स्ट फ्लोर के घर तक भी आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब या तो वो बंजारा रह जाएंगे या हम बंजारा रह जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं MCG के ऑफिस, हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आप क्यों ऐसा हमको इधर से उधर भटका रहे हैं। हमें तो यही लग रहा है हम एक सरकारी आवास से दूसरे सरकारी आवास में भाग रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसका निष्कर्ष केवल हम उन्हीं से पूछ सकते हैं, और हम उन्हीं से अब आज क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। कितने लोग रहते हैं एमरल्ड हिल्स में? कम से कम 1500 फैमिलीज़ हैं, और अंबर ब्लॉक जो है वो पूरा तरह से उसकी जो दीवार है वो इस बंजारा मार्केट ने अपनी कवर कर ली है, और इतना बाउंड्री से पास करके उन्होंने बना दिया है कि अब हमें लगता है कि हमारे बच्चे तो घर के बाहर निकल ही नहीं सकते, पीछे के घर हमारे बिल्कुल असुरक्षित हो चुके हैं। कार्यवाही की मांग को लेकर एमरोल्ड हिल्स सोसाइटी निवासियों ने DTP से भी मुलाकात की है। DTP अमित मंधोलिया का कहना है कि नगर निगम द्वारा मौके पर कार्यवाही की जानी चाहिए, ऐसे में यदि उन्हें DTP विभाग से कोई सहायता चाहिए होगी तो उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। निगम की तरफ से जमीन मालिक को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है, वैसे में देखना होगा कि अवैध रूप से बसाई जा रही बंजरा मार्केट और झुग्गियों को रोकने में किस तरह की कार्यवाही की जाती है। अब तक ये बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।